आप देख रहे हैं दखल न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वयोवृद्ध नेता बाबूलाल गौर ने कहा कि उनकी पुत्रवधु कृष्णा गौर को भाजपा का टिकट दिलवाने में कांग्रेस ने बड़ी मदद की। यह खुलासा उन्होंने विधायक एवं भोपाल उत्तर से कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ अकील से मुलाकात के दौरान किया। अकील गौर से मिलने उनके घर गए थे। मतदान के बाद कांग्रेस विधायक आरिफ अकील सौजन्य मुलाकात के लिए बीजेपी नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के निवास पर पहुंचे। मुलाकात के दौरान गौर ने यह भी कहा कि भाजपा ने पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया और सरताज सिंह को टिकट ना देकर अपना बहुत नुकसान कर लिया। हमदर्दी का वोट अलग ही रहता है। दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक चुनावी चर्चा होती रही। इस दौरान अकील ने गौर से यह भी कहा कि आप नहीं आए, हमारी पार्टी में आ जाते तो आपको टिकट मिल जाता। इस पर गौर ने कहा कि बहू को टिकट दिलवाने में आपकी पार्टी ने बड़ी मदद की। आपकी पार्टी ने बहुत मदद की, टिकट मिल जाता। पर आप आ जाते हमारे साथ तो आपको टिकट मिल जाता, मगर आपने मना कर दिया, टिकट नहीं लेना। क्या करें यार, अब टिकट छापो तुम लोग, तो हम कोई डरते नहीं है, हरा लान वाले हैं। हमारी बहू को टिकट मिल गया। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, हालात दूसरे हो जाते हैं। हाँ, हालात दूसरे हो जाते हैं। टिकट नहीं दिया सरकार को, बहुत नुकसान करा उन्होंने। बाबा को नहीं दिया कश्मीरिया को, बहुत नुकसान करा। हमदर्दी का वोट जो है अलग होता है। इस मुलाकात में गौर ने अकील को बधाई दी और कहा कांग्रेस की सरकार आ रही है और आप मंत्री बन रहे हैं। आरिफ अकील और बाबूलाल गौर की इस मुलाकात के राजनीतिक गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। बाद में मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता आरिफ अकील ने कहा कि वह गौर का आशीर्वाद लेने गए थे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।